क्वेश्चन 4.7, टू लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रीट वायर्स ए एंड बी कैरिंग करंट्स ऑफ 8 एम्पियर एंड 5 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन, इट इज शोन इन द डायग्राम, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर, हियर डिस्टेंस गिवन 4 सेंटीमीटर, एस्टीमेट द फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर ए, यू हैव टू फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स 10 सेंटीमीटर लेंथ. सो व्हाट विल यू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन बोथ द वायर्स, फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट लेंथ ऑन बोथ द वायर्स दैट वी विल फाइंड आउट, इट्स क्लियर. एंड व्हाट इज द फार्मूला दैट यू नो, फोर्स एक्टिंग एक्टिंग पर यूनिट लेंथ बोथ वायर्स. सो यू कैन सी हियर दे आर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन, स्ट्रेट वायर्स, इट मीन्स दे आर पैरेलल, इट मीन्स दे आर पैरेलल. सो व्हाट इज द फोर्स, व्हाट इज फार्मूला ऑफ फोर्स, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ एफ अपॉन एल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, दिस इज 2I1 इंटू I2 अपॉन आर. नाउ यू कैलकुलेट दिस वैल्यू ऑफ फोर्स. सो सी हियर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फोर्स, यू सब्स्टिट्यूट 10 to the power minus 7 into 2 into 8 into 5 divided by R is how much? 4 centimeter, that is 4 into 10 to the power minus 2. So you can simplify this. So when you will simplify, you will find that it is 4 1 ja 4 and 4 2 ja 8. So it will be equal to 5 2 ja 10 2 ja 20. Into 10 to the power minus 7 into 10 to the power 2 10 to the power minus 5, that is 2 into 10 to the power minus 4 newton per meter. So this is the force acting on per unit length, means on 1 meter this much force will act. But you have to find the force on 10 centimeter. Therefore, force on 10 centimeter segment. So, on 1 meter, this much force is acting. 2 into 10 to the power minus 4. So, on 10 centimeter, 10 upon 100. You convert centimeter into meter. So, this will be cancelled. When this will 10 will go up, it will become 10 to the power minus 1. Already there is 10 to the power minus 4. So this much newton. This will be the answer.